अलवफा न्यूज रहे खबरों से बाखबर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुल्क भर में बढ़ती हुई महंगाई और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद जमात इस्लामी की जानिब से शहर कायद के 8 मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। आइए चलते हैं नुमाइश चौरंगी पर, सबसे बड़ा एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद हैं नुमाइश चौरंगी पर, जमात इस्लामी की जानिब से शहर के 8 मकामात पर जो है एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा और महंगाई के खिलाफ। इस वक्त जमात इस्लामी के एक रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं कि आया क्या कहना है मुजाहरे के हवाले से। जी सर, क्या कहेंगे एहतजाजी मुजाहरे के हवाले से, जो मुजाहरे के जा रहे हैं उसमें जो है महंगाई जो है दिन दिन जो है बढ़ती जा रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी ने आज पूरे शहर के तकरीबन 8 मकामात पर मुजाहरों का ऐलान किया है। वजह इसकी ये है कि मुल्क की तारीख में पहली बार 10 दिन के अंदर जो है हुकूमत ने पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में 60 रुपये का इजाफा किया है, जिससे आवाम जो है वो तड़प उड़े हैं। और हम आवाम से हमने हमारे कराची के जो अमीर हैं हाफिज़ नईम रहमान साहब, उन्होंने ये अपील की है कि अब घरों के अंदर बैठने का वक्त नहीं है, अब सड़कों पर आने का वक्त हो गया है। लिहाजा हमने आज तमाम लोगों से ये गुजारिश की थी और आज यहाँ नुमाइश चौरंगी पर मुजाहरा हम कर रहे हैं। आप इस बात को देखें कि 10 दिनों के अंदर पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में 60 रुपये का इजाफा कर दिया गया है। और ये आपको इल्म है कि जब पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं तो साथ में जो है वो तेल की कीमतें, घी की, आटा, चीनी, ये तमाम चीज़ों की कीमतें जो है वो बढ़ जाती हैं। जी बिल्कुल, इनका यही कहना था कि 6 दिन के अंदर जो है 60 रुपये इजाफा कर दिया गया है पेट्रोल की कीमत में। पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो ऑटोमेटिक अशियाए खुर्दोनोश की कीमतें भी बढ़ जाती हैं। शहरियों से जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने अपील की कि अब वो सड़कों पर आएँ। इस पर लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। थैंक यू।